दोस्तों कह सकते हैं रियलमी और रेडमी को टक्कर देने के लिए मोटरोला पूरी तरह से तैयार हो चुका है, जो कि मोटरोला की तरफ से मैंने एक किसी खुद रिसेंटली एक वीडियोस बनाया था, जो कि मोटरोला की तरफ से एक वीडियो था, और उस वीडियो को मैंने बताया था कि मोटो G84 5G स्मार्टफोन मोटरोला की तरफ से बहुत ही जल्दी लॉन्च किए जाएंगे। तो दोस्तों इसी तरह ही इस स्मार्टफोन का लॉन्चिंग डेट वगैरह पूरा अनाउंसमेंट कर दिया गया, इसकी स्पेसिफिकेशन फीचर्स इस वीडियो में सब जानेंगे, और दोस्तों पूरी हम डिटेल्स में जानेंगे इस वीडियो को, और इस वीडियो को प्राइस वगैरह सब वीडियो प्राइस वगैरह सब डिटेल्स में हम जान लेंगे। तो वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, जो कि मोटो G84 से लेकर। दोस्तों मोटो G84 एक 5G स्मार्टफोन वाला, जो कि 14 बैंड्स के साथ देखने को मिलेगा इस स्मार्टफोन, और 14 बैंड्स देखने का मतलब कह सकते हैं काफी ज्यादा टक्कर देने वाला है बाकी स्मार्टफोनों को, अंडर 20K वाले स्मार्टफोनों को, जो कि इसकी प्राइस भी अंडर 20K के अंदर ही रखी जाने वाली है, इसलिए कि स्मार्टफोन काफ़ी रेडमी रियलमी के और के जैसे फोनों को काफ़ी ज़्यादा टक्कर देने वाला है। तो हम बात कर रहे थे इस स्मार्टफोन को फीचर्स वगैरह स्पेसिफिकेशन को लेकर, तो इसकी फीचर स्पेसिफिकेशन काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं, जो कि आपको 6.5 इंच का आपको फुल HD POLED डिस्प्ले देखने को मिली, इसमें POLED डिस्प्ले देखने को मिली है, जो कि आप समझ सकते हैं काफ़ी अच्छा डिस्प्ले देखने के साथ, और 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट के साथ ये देखने को मिल जाएगा। और इसमें कैमरा की बात करें, इसमें कैमरा जो सपोर्ट देखने को मिल रहा है इसमें रियर में, iOS तकनीक वाला 50 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिला है, जो कि प्राइमरी सेंसर देखने को मिल जाता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिल जाएगा, वही फ्रंट में आपको 8 मेगापिक्सल कैमरा देखने को मिल जाएगा, जो कि काफी अच्छे कैमरा देखने को मिल जाता है। उसमें नॉर्मली रेंज की बात करते कैमरा काफी अच्छे देखने को मिलेंगे, वही रियलमी इसमें रैम और स्टोरेज की बात करें 12 GB रैम मेमोरी देखने को मिल जाएगा, 256 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, यानी कि इसमें दो वेरिएंट देखने को मिलेंगे, एक 8 GB के साथ एक 6 GB के साथ, दो वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे वेरिएंट देखने को होंगे। वही स्मार्टफोन में बैटरी की 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, 33 वाट का फास्ट चार्जर वगैरह देखने को मिल जाता है स्मार्टफोन में। इसमें स्मार्टफोन की सबसे बड़ी बात है 14 5G बैंड देखने को मिल जाएंगे, और इसमें जो कि कह सकते हैं काफ़ी अच्छे फीचर्स वगैरह से लेस देखने को मिल रही है, और फ्लिपकार्ट पर पूरी तरह टीज कर दिया गया है इसके लॉन्च के लिए। बात करके इसकी लॉन्चिंग जो होगी 1 सितंबर के से लॉन्च देखने को मिल सकता है मिलेगा, और इसे मोटरोला की तरफ से पूरी तरह क्लियर कर दिया गया है, ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया गया है, जो कि 1 सितंबर के स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया जाएगा। बाकी फीचर्स की बात करें तो अभी पूरे ओपनली देखिए हुआ नहीं है, बाकी फीचर आपको 1 तारीख को मिल ही जाएगा, उसके बीच में कोई लीक्स वगैरह आती है तो उसके लेकर भी वीडियोस आपको मिल ही जाएंगे। फिलहाल बताइएगा मोटरोला की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सिर्फ शायद हो सकता है जैसे 120K यानी 20,000 के अंदर स्मार्टफोन को लॉन्च किया जाए, क्या इस फीचर के साथ प्रोसेसर वगैरह की ओपनली नहीं हुआ है तो क्या इस फीचर के साथ देखने को मिलेगा, तो आपको एक अच्छा प्रोसेसर भी देखने को मिल जाएगा, हो सके शायद आपको 8200 प्लस या 6200 का प्रोसेसर वगैरह देखने को मिल जाए। अब जो भी हो देखिए डिटेलिंग और सामने आ जाएगी तो पूरे क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप देखिए इस स्मार्टफोन को लेकर कमेंट्स करके अपनी राय की राय क्या कराती है, और आप कौन से ब्रांड के स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हो उसे भी कमेंट्स जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को बस इतना ही, मिलते हैं ना बड़े में, तब तक के लिए जय हिंद।